ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। अगर आप भी यूजी पार्ट वन यानी कि दोस्तों बीए बीएससी एंड बीकॉम में एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन लेने के बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने में आपको मैं बता दूं, यहां से एडमिशन का फॉर्म फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करते हैं या दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, तो फिलअप करने के बाद जो भी डिटेल्स आप फिल करते हैं, एक बार जब आप फाइनल सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको वहां पर कोई एडिट का ऑप्शन नहीं रहता है, जहां पर आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म फिलअप करने में कोई त्रुटि आ जाती है। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि अगर आप LNMU के छात्र हैं तो इसको कैसे सुधार करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। की ओर से अभी जिस तरह से एडमिशन लिए जा रहे हैं, किसी कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन लिए जा रहे हैं और किसी कॉलेज में आपको ऑफलाइन भी एडमिशन लिए जा रहे हैं। फिलहाल जिनके कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन लिए जा रहे हैं किसी साइबर कैप के मदद से या दोस्तों खुद से कर रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, गलत फिलअप कर देते हैं और उनका एडमिशन समय कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो इसको कैसे सुधार करवाएंगे। तो मैंने LNMU के हेल्पलाइन नंबर जो भी है वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वहाँ से बात किया, जो मैं आगे ऑडियो इस वीडियो में लगा दूंगा जिसके आप सुन सकते हैं। वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से समय या दोस्तों जो भी फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं उससे समय आपको किसी प्रकार की त्रुटि आ रही है, तो आपको सुधार करवाने के लिए वहाँ पर वेबसाइट पर तो कोई एडिट का ऑप्शन रहता नहीं है, तो डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स ले जाकर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ID है और पासवर्ड है उसको आप ज़रूर साथ लें, क्योंकि वहीं से वहाँ पर लॉगिन किया जाएगा और उसके माध्यम से आपको सुधार किया जाएगा जो भी आपका त्रुटि आ रही है। हेलो, हाँ नमस्कार सर, बताइए। बोले जो पार्ट वन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन जो करवाया था उसमें गलती हो गया नाम, उसके बाद फादर्स का नाम। यूनिवर्सिटी आ जाइए, सही हो जाएगी, दरभंगा यूनिवर्सिटी LNMU। यूनिवर्सिटी आने के बाद मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लाना पड़ेगा? मार्कशीट लेते आइएगा, प्रिंट आउट लेते आइएगा। मार्कशीट कौन, मैट्रिक का इंटर का? जो तुमने कर रखा हो, जो भर रखा हो, वो मार्कशीट लेके आइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो से संबंधित आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट्स रहता है, तो नीचे हमें वीडियो के कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। फिर से मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ।